हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं अमित सन्ना यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले कि आप कैसे जीएसटी पोर्टल में जाकर जीएसटी 3B का नील रिटर्न सब भर सकते हो, तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद सिंपली इधर सर्च करना है जीएसटी लॉगिन करके। तो मैं जीएसटी लॉगिन सर्च कर लेता हूँ। जीएसटी लॉगिन सर्च करने के बाद देखिए, सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है जीएसटी लॉगिन जीएसटी पोर्टल करके, इस ऑप्शन में हमको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए, आपका जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, मतलब यूजर नेम पासवर्ड, उसको इधर दे देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं मेरा यूजर नेम पासवर्ड देके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन आईडी पासवर्ड देने के बाद देखिए, इधर एक कैप्चर है, कैप्चर को आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही देखिए, मेरा जो जीएसटी का डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। इधर देखिए मेरा नेम भी दिखा रहा है एंड इधर GSTR1 मेरा फाइल्ड है एंड GSTR3B जो है वो नॉट फाइल दिखा रहा है। ये अभी तक मैंने रिटर्न नहीं भरा है। अगर आप GSTR3B का नील रिटर्न भरना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इधर सर्विस वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है एंड इधर रिटर्न्स करके एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आप देखिएगा कि रिटर्न्स क्विक लिंक्स करके एक ऑप्शन है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें आपको सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है रिटर्न्स डैशबोर्ड, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही देखिए, फाइल रिटर्न्स करके एक ऑप्शन आ चुका है। इसमें फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर एंड पीरियड तीनों आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं इसी फाइनेंशियल ईयर का जो Q3 है, अक्टूबर टू दिसंबर, इसमें मैं अक्टूबर का GSTR3B नील रिटर्न भरना चाहता हूँ। तो इस पे सिलेक्ट करके मैं सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करते ही देखिए, मेरा जो GSTR1 है वो फाइल्ड है एंड मेरा जो GSTR3B अभी ड्यू है। तो मैं फिलहाल प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, इधर एक नया ऑप्शन आ चुका है कि Do you want to file nil return? अगर आप nil return भरना चाहते हो तो इस पे yes पे select करना and next कर देना। अगर आपका कुछ sales है तो इसमें no पे click करना है and next कर देना है। तो फिलहाल मेरा जो return है वो मैं nil return भर के दिखा रहा हूँ आपको। तो फिलहाल मैं yes पे select कर लेता हूँ and next पे click कर देता हूँ। तो देखिए, एक नया option आ चुका है, system generated summary for GST3B, इसको close कर देना है। एंड ये जो वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है, इस वेरिफिकेशन को टिक करना है एंड इधर जो देखिए आपका नेम दिखाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। आपका नेम को सिलेक्ट करने के बाद देखिए, इधर एक फाइल GSTR3B विथ EBC करके ऑप्शन है, इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए, इधर दिखा रहा है कि लेट फी ड्यू टू गैप बिटवीन सबमिट एंड फाइलिंग GSTR3B विल बी एडिंग इन लेट फी एप्लीकेबल इफ नेक्स्ट मंथ रिटर्न्स विल अक्टूबर ऑनवर्ड्स। अगर आप लेट करके इस GSTR को अगर लेट फाइल करते हो तो आपको फाइन लग सकता है, ये दिखा रहा है। तो फिलहाल मैं प्रोसेस पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद देखिए, मेरा जो मोबाइल है एंड मेरा ईमेल आईडी है, उसमें OTP आएगा, उस OTP को इधर एंटर कर देना है। तो फिलहाल मेरा मोबाइल में OTP आ चुका है एंड मैं OTP को इधर एंटर कर देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद सिंपली इधर वेरीफाई वाला एक ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही देखिए, फाइलिंग सक्सेसफुली, आपका जो GSTR3B का नील रिटर्न है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो ऐसे ही सिंपल तरीकों से आप GSTR3B का नील रिटर्न सब भर सकते हो। पिछली वीडियो में हम दिखाए थे कि आप कैसे GSTR1 का भी नील रिटर्न भर सकते हो। अगर आपको जरूरत है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इसी तरह के बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।